है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी इसकी इसके इंग्रेडिएंट्स पे। तो इसकी जो बैक है, यहाँ पर सारे इनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो क्लियरली मेंशन है। इनमें कोई ऐसा हार्मफुल केमिकल नहीं है जो कि आपके बालों को डैमेज करे और या आपकी स्कैल्प को डैमेज करे, तो ऐसा कोई इसमें हार्मफुल केमिकल नहीं शामिल। ग्रीन टी जो है वो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, जैसा कि इसके नेम से पता चलता है कि ग्रीन टी शैम्पू है। तो ग्रीन टी शैम्पू अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है कि वो आपकी स्कैल्प से जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको रिमूव कर देता है। तो ये शैम्पू जो है वो आपकी स्कैल्प का एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो रिमूव कर देगा या ऑयल को कंट्रोल करेगा आपकी स्कैल्प पे। अच्छा, ऑयल अगर ज़्यादा होता है, आपके ऑयली हो जाते हैं बाल जब, मतलब आप 2-3 दिन शैम्पू ना करें और आपके बाल ऑयली हो जाएं, तो वही ऑयलीनेस, वही चीज़ जो है वो आपके बालों में डैंड्रफ की वजह बनती है। और डैंड्रफ ही जो है वो मेन वजह होती है हेयर फॉल की। तो इस तरह से ये हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अच्छा जी, अगर इसकी कंसिस्टेंसी पे बात करें तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है, जेल लाइक कंसिस्टेंसी है इसकी, जेल की तरह का ही है शैम्पू ये। और इसकी जो स्मेल है वो, अगर आपने कभी सफ़ेदे के पत्तों को सूंघा हो, सफ़ेदे के पत्ते तोड़ के उसमें सूंघे ना, जिस तरह की उसमें से मिंटी मिंटी सी स्मेल आती है, उस तरह की एग्जैक्ट इसकी स्मेल है। मिंटी 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 सी स्मेल है इसकी और ठंडी ठंडा सा फीलिंग देता है जब इसको बालों पे लगाएं तो ठंडी सी फीलिंग होती है। तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा, मुझे इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिले। बस एक मुझे थोड़ी सी इसकी बॉटल के साथ शिकायत है कि इसके साथ अगर ऊपर पंप होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि आप इसको जब निकालते हैं प्रोडक्ट को तो बोतल इसकी पूरी जो है वो पिचक जाती है। बस ये थोड़ा सा इशू है, अदरवाइज जो है वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अच्छे रिजल्ट्स मुझे इसके मिले हैं। बहुत अच्छे तरीके से स्कैल्प को जो है वो कर देता है, साफ़ कर देता है और ऑयल को कंट्रोल करता है, इस तरह से डैंड्रफ को भी कंट्रोल करता है। और अगर आपके बालों की जो ऑयल है उसमें बैलेंस रहे, पीएच लेवल बैलेंस रहे, तो स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा होता है कि बाल जो है वो अच्छे तरीके से